हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। आई नो कि आपकी सबकी जॉब मतलब हर बंदे की जॉब लगना टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो जॉब इजीली लग जाएगी। यहाँ लगे, किसी अच्छी कंपनी में लगे, किसी नीची कंपनी में लगे या किसी छोटी कंपनी में लगे, आपकी जॉब जरूर लगेगी। बस आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है। दोस्तों आपको इतनी बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, बस आपको हर एक वैकेंसी के अंदर अप्लाई करते रहना है। आप क्या करते हैं, मैंने देखे, मेरे पास क्लिकमेट का आता रहता है, क्लिकमेट का मेरे पास। दोस्तों मैं जो वैकेंसी डालता हूँ उसको देखने वाले तो कितने होते हैं पर डे में, 10,000 व्यूअर्स, 20,000, बट अप्लाई करने वाले आप समझेंगे कितने होते हैं, 100, 50, 150 मैक्सिमम। दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, आप उसके बाद अगर बोलते हैं कि बोलने वाले कि मैं 100 बार से अप्लाई कर रहा हूँ, आप क्या करते हैं, जब कोई बड़ी वैकेंसी आती है, किसी बड़ी कंपनी में आती है, आप एकदम से अप्लाई करते हैं। जबकि याद रखिए, अगर बड़े समुंदर में आपको जाना है तो छोटी मछली बन के नहीं जाना होगा। छोटी मछली हमेशा छोटे तालाब में ही रहती है, तो आपको तालाब में घुसना होगा, छोटी कंपनियों में घुसना होगा, उसके साथ साथ आपको बड़ी कंपनी में अप्लाई करते रहना होगा। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ये बात आपसे कोई नहीं बोलेगा जो आपके काम की बात बोल रहा हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना है। आप एक टारगेट बना लीजिए कि आज मेरे को 20 कंपनियों में अप्लाई करना है। आप एक टारगेट बना लीजिए कि आज मेरे को 15 कंपनियों में अप्लाई करना है। आपको मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। दोस्तों आपको विद इन अ 10 डेज के अंदर आपके पास जॉब 110% होगी। बस आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले अप्लाई करना है किसी भी कंपनी में। अगर देखिए, रिज्यूम क्या होता है कि ऑर्डर में होते हैं, आपने 20th नंबर को बोल पे डाला, आपने 100 नंबर पे डाला या 1000 पे डाला, इसका भी फ़र्क होता है। कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ में क्या होता है कि स्टार्टिंग से जैसे रिज्यूम चला गया वन, वो क्या करते हैं, शुरू के 20 रिज्यूम उठा लिए, उसे सबको रीड किया, जो जो अच्छा लगा उसको कॉल कर दी या उसको रिप्लाई कर दिया। दोस्तों ऐसे करते हैं, फिर 100 उठा लिए। तो एक चीज़ है, सबसे पहले तो आपके रिज्यूम के ऊपर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं एक फॉर्मेट आज ही डालने जा रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जल्दी फॉलो कर ले जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आज शाम को 9 बजे मैं टेलीग्राम चैनल पे एक फॉर्मेट डाल दूंगा, किसी भी ब्रांच से रिलेटेड डाल सकता हूँ। आप चाहें तो उसे एक बार अपने हिसाब से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये है महिंद्रा ग्रुप में। महिंद्रा के अंदर बहुत सारी कंपनीज है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको क्या करना है, यहाँ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बाद आप इसके कैरियर सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप इसके कैरियर सेक्शन में जाएंगे दोस्तों, आपको यहाँ आपको दिखेगा फाइंड जॉब। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आपको 20 बार बोल चुका हूँ, जो भी आपसे जॉब के अगेंस्ट में पैसों की डिमांड करेगा वो कभी भी आपसे आपकी जॉब नहीं देगा। ये मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, चाहे वो 2 रुपये मांगे, चाहे 100 मांगे और चाहे 10,000 मांगे, आपको एक सिंगल पैसा नहीं देना है उसको। दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ आए, आपने फाइंड जॉब्स पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइंड जॉब्स पे आए, आपको दिखेगा ये महिंद्रा ग्रुप की इसी सारी कंपनीज है। कौन कौन सी है, ऑटोमेटिव या फार्म, महिंद्रा फार्म, महिंद्रा एग्री बिजनेस, महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा पार्टनर्स, महिंद्रा आफ्टर मार्केट, तो सब में अलग अलग हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। अगर आप देखेंगे आईटी में भी देखेंगे तो टेक महिंद्रा में आप अप्लाई कर सकते हैं, महिंद्रा हॉलीडेज में कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर एक एक बताने जाऊंगा तो आपको बहुत टाइम हो जाएगा, जिसमें आपको भी ना तो आपको सही लगेगा ना मेरे को लगेगा। दोस्तों ये है एक वैकेंसी है महिंद्रा कंसल्टिंग इंजीनियर्स में। इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज है, सिविल, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग एंड सर्विस लाइक एमईपी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, जीआईएस रिमोट, साइट सुपरवाइजर। साइट सुपरवाइजर में दोस्तों आप डिप्लोमा वाले एनी ब्रांचेस एलिजिबल है। ये सर्वे, ड्राफ्टमैन या फिर एरिया डेवलपमेंट, तो हाउसिंग एंड इंटीग्रेशन। दोस्तों ये सारी की सारी वैकेंसीज अभी ओपन हैं। इसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना होगा, कैसे आपको इसमें करना होगा, देखिए मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो और भी डिपार्टमेंट में आप पूरा महिंद्रा की ग्रुप, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में पहले बताया था, आप पूरा A to Z आप देख सकते हैं। बट उससे आपको अप्लाई कहीं ना कहीं करना होगा, और आप उसमें भी डायरेक्ट उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये वाली मेल आईडी आपको कॉपी कर ली होनी होगी, mac@mahindra.com, mace@mahindra.com, mac@mahindra.com को आपको कॉपी कर लेना होगा। जैसे ही आप कॉपी करेंगे दोस्तों, मैं सारे अपडेट अपने यहां टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं।
आपको टेलीग्राम चैनल पे आना होगा, यहां से पिन मैसेज कर रखा है मैंने कवरिंग लेटर का। कवरिंग लेटर क्या होता है? कवरिंग लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, उसको बोलते हैं कवर लेटर। दोस्तों आप इस कवरिंग लेटर को अटैच करके आप इसे भेज सकते हैं। कवरिंग लेटर कहां मिलेगा? इसको यहां मिलेगा, यहां इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। दोस्तों दूसरी बात यह है, आप अगर यहां फॉलो कर लेंगे तो मैं यहां बहुत सारे डेली अपडेट लाने लग रहा हूं। आज शाम को मैं रिज्यूम फॉर्मेट भी ला रहा हूं या किसी और ब्रांच, और यहां ऑल ब्रांचेस से, देखिए इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच है, चाहे आप डिप्लोमा हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑलवेज जॉब और अपडेट लाता रहूंगा, इसीलिए आप यहां जरूर फॉलो कर लें। अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, कैसे आपको यहां आगे बढ़ना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहां से इसको कॉपी करेंगे तो चलते हैं फिर मेल आईडी, जो आपने मेल आईडी कॉपी की थी उसको यहां टू में कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद लिखना है वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर। अब इंजीनियर में क्या आएगा, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी या फिर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, ऐसे करके अपना जो सीवी है वो अटैच कर दीजिएगा और पूरा का पूरा इसको कॉपी करके, और यहां से आपका सीवी अटैच हो जाएगा। सीवी मतलब बायोडाटा। दोस्तों बहुत सारे मेल मेरे पास, 100 से 150 मेल, मैं कितनों का रिप्लाई करूं मेल पे? दोस्तों मैं बहुत रिप्लाई कर चुका हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के वो बोल रहा हूं कि मैं दिन में या तो मैं वीडियो ही ला पाऊंगा या मैं रिप्लाई ही कर पाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सबका रिप्लाई करूं, लेकिन इतनी जल्दी मत कीजिए कि आप इतना मेल मेरे को कर दिया है कि मेरा मेल बॉक्स फुल हो चुका है, इवन आपके मेल जाएंगे भी नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो पूरा उसकी मेमोरी फुल हो चुकी है, मतलब मेल का जो ड्राइव का होता है या जीमेल का जो एक होता है 15 GB का स्पेस होता है वो फुल हो चुका है। दोस्तों या तो मेरे को बाय करना पड़ेगा आपके नए मेल मंगाने के लिए, इसीलिए दोस्तों अभी कुछ टाइम रुक जाइए, 1-2 दिन मैं सारे मेल को रिप्लाई करके डिलीट कर दूं तो मेरी थोड़ा सा वहां से ऑप्शन बच जाएगा, देन मैं आप दोबारा मेल कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।